हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनालॉगी की वो जो तीनों क्लासेस हमने करी है उसी से बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जैसे कि फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में मैंने एनालॉगी को बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ आप उन क्लासेस को देख लेना। आज हम प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं क्लासेस पर बेस्ड क्वेश्चंस को, तो आप क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो और चाहते हो और भी रीजनिंग की क्लासेस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तीनों जो एनालॉगी के मिक्स क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखो जो है कॉमन रिलेशनशिप बेस्ड, क्योंकि आप कभी भी कोई सॉल्व करते हो क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसे सॉल्व करें। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन रिलेशनशिप बेस्ड पे कैसे क्वेश्चन आता है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, हाउस दिया है, उसके बाद रेंट दिया है, कैपिटल दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। चार ऑप्शन है, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, कंट्री और मनी। सबसे पहली बात, आपको इसमें कॉमन सेंस लगाना है। अब देखो, हाउस से आपको रेंट मिला, ठीक है, हाउस से आपको रेंट मिला। मान लो आपके पास कोई घर है, आपने उसको किराए पे दिया है तो आपको उससे किराया मिला। तो कैपिटल से आपको क्या मिलेगा, यही आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। कैपिटल के दो डिफरेंट मतलब है। एक तो होता है कैपिटल मतलब राजधानी, जैसे कि भारत की कैपिटल, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। जैसे कि किसी भी देश की आपको कैपिटल पूछा जाए, किसी भी राज्य की कैपिटल पूछा जाए, यानी राजधानी होता है। एक कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, यानी जो आप पैसे या इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, जो पैसे होता है। तो पैसे पर क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, यानी ब्याज आता है। जैसे आपने बैंक में उसको डिपॉजिट कराया है तो उस पर क्या आएगा, आपका इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से कॉमन सेंस लगा के करना, बहुत इजी होते हैं बट थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। अगर इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वो तो खर्च हो जाएगा, आपके पास कुछ आएगा नहीं। कंट्री और कैपिटल का कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हाउस से आपको किराया आ रहा है, उसके बाद कैपिटल से, मनी से भी नहीं है मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड किस पर है, क्रॉस कोडेड पर। अगर बाई चांस आपने ये क्लासेस मिस कर दी हो, डिस्क्रिप्शन में तीनों क्लासेस का लिंक है, वहाँ से जरूर देखना क्लास, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कभी भी आप गलत नहीं करोगे। ये जो क्वेश्चन है ये क्रॉस कोडेड है, देख के पता चल रहा है, क्योंकि अल्फाबेट को शफल कर दिया गया है, यानी आगे पीछे करके ये बनाया गया है। नंबर का है UNBMRE और यहाँ पर घोस्ट वर्ड दिया है, और शफल करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा होगा। विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन आपको विद इन अ सेकेंड सॉल्व करना है। कैसे करोगे, जैसे कि आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, जैसे मैंने आपको बताया था, N और U को आपस में अदला बदली करके UN कर दिया है, तो HG से जो होगा वही होगा। HG देखो, यहाँ पर HO है तो एलिमिनेट करो, HO है तो एलिमिनेट करो। अब क्या है, HG और HG इसमें भी है, T कॉमन है। आपको क्या पता करना है, इन दोनों की पोजीशन, और इन दोनों की पोजीशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट कैसे है, B और M, यानी M और B को रिप्लेस करा है, यानी S और O होगा, यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे विद इन अ सेकेंड। अगला है फ्रांस, पेरिस, इटली। अब क्या दिया है इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको कंट्री और उसके कैपिटल का नाम, जो फेमस कंट्रीज है एटलीस्ट उसको तो याद ही करना है। जैसे कि फ्रांस की जो राजधानी है यानी कैपिटल है वो पेरिस है, तो इटली की राजधानी क्या होगी। चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया, हवाना, रोम और बोलीविया। तो आपको पता होना चाहिए कि इटली की राजधानी रोम है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका है अल्फाबेटिकल एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था, आई जे, एल एम, पी क्यू, और यहाँ पर है ब्लैंक स्पेस। कैसे आपने इसका रिलेशन निकाल के इसमें लगाना है, दिमाग रखना। या तो इंक्रीमेंट हो सकती है प्लेस वैल्यू, या तो डिक्रीमेंट हो सकती है प्लेस वैल्यू। अगेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मैंने आपको बताया था, जो ए टू जेड तक मैंने अल्फ़ाबेट लिखे, 1 to 26 जो नंबरिंग लिखी थी वही प्लेस वैल्यू होती है। अगर मैंने आई में +3 कर दिया तो आई के बाद तीन अगर नंबर अल्फ़ाबेट बढ़ेंगे तो एल आएगा, जे के बाद तीन अल्फ़ाबेट बढ़ेंगे तो एम आएगा। उसी तरीके से पी के बाद अगर मैं करूँ
तो पी के बाद क्यू आर एस आएगा और क्यू के बाद करूँ तो टी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है राइटर पेन एंड ब्लैक स्मिथ एंड आगे आपके पास क्वेश्चन मार्क है। चार ऑप्शन है, चिजिल, सॉ, हैमर और स्पेड। अब आपको क्या दिमाग लगाना है इसके अंदर, जैसे कि जो लेखक होता है, राइटर क्या होते हैं, लेखक, लेखक के लिए पेन जरूरी है तभी तो लिखेगा, उसके लिए पेन जरूरी है, तो जो ब्लैक स्मिथ होते हैं उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है। ये चार औजार के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले ब्लैक स्मिथ का मतलब, ब्लैक स्मिथ होते हैं लोहार, लोहार के लिए क्या जरूरी होता है। अब बात करूं मैं लोहार, लोहार जो लोहा पीटते हैं वो किससे पीटते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो हथौड़े को क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होने चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स पर जो भी बेस होते हैं। तो अगर बात करूं ब्लैक स्मिथ तो यहाँ पर हैमर होगा। ठीक है, अगला बात करूं साइकोलॉजी, माइंड, ऑर्निथोलॉजी और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन किस पे बेस है, स्टडी एंड टॉपिक पर। मैंने सब कुछ कराया है क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजी क्या होता है, किसी के मन की जो माइंड रीडिंग होती है मनोविज्ञान कहलाता है, हिंदी में कहलाता है स्टडी ऑफ माइंड के ऊपर। अगर मैं बात करूँ ऑर्निथोलॉजी तो ये किस चीज़ की स्टडी है, ऑप्शन है संस्कृत, कॉइन, मैमल या फिर बर्ड। तो अगर मैं बात करूँ संस्कृत की तो ये हो ही नहीं सकता, संस्कृत एक भाषा है और ऑर्निथोलॉजी इसकी स्टडी नहीं है। कॉइन नहीं होता, स्टडी ऑफ कॉइन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ये भी नहीं है। मैमल की भी स्टडी नहीं है, ये होता है बर्ड के ऊपर जो स्टडी होती है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। अगला देखो, ये बेस किस पर है, मैक्सिमम एक्सेस और शाय, क्वेश्चन मार्क। चार ऑप्शन अगेन आपके पास है, प्लीजन, कंजर्वेटिव, हैपहज़ार्ड और परमानेंट। तो बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, ये किस पे बेस्ड है, सिनोनिम्स पर, यानी पर्यायवाची पर। मैक्सिमम का मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा, शाय का मतलब होता है जो शर्मीले टाइप के हो, जो बहुत स्वभाव से ज़्यादा किसी से घुलने मिलने वाले ना हो। तो इंग्लिश में आप सभी जानते होंगे कंजर्वेटिव कहलाते हैं वो लोग जो काफ़ी शर्मीले टाइप के हो, जो ज़्यादा लोगों से ज़्यादा घुल मिल के ज़्यादा बातचीत ना करने वाले हो, क्योंकि प्लीजेंट का मतलब तो सुहाना होता है, हैपहज़ार्ड खतरा या जोखिम होता है, परमानेंट वो चीज़ें होती है जो स्थायी होती है। ठीक है, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। अगला देखो, ये आ गया क्रॉस कोडेड पर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये लिख लिया, नीचे ये लिख दिया, क्रॉस कोडेड करने लगे, फिर इसको लिखा, इसका जोड़ा, फिर ऑप्शंस देखे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको बस दो चीज़ें ध्यान देनी है कि इस और इसमें क्या क्या कॉमन है। तो फर्स्ट वाला जो चीज़ है वो थर्ड प्लेस पे आया है, तो बी जो है थर्ड प्लेस में किस ऑप्शन में है पहले तो ये देख लो, इस पे है और इस पे है, इसमें और इसमें नहीं है, तो दोनों को तो एलिमिनेट करो। सेकंड चीज़ क्या देखी है, लास्ट वाला जो है वो पहले पर आ गया, यानी एम जो है पहले आ रहा है, तो विदाउट कुछ भी करे आपको मिल गया आपका आंसर। ये होता है एलिमिनेट करके इंस्टेंट आंसर निकालना। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो है टैडपोल और फ्रॉग दिया है और लेवरेट देके क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, हैन, लॉयन, हेयर और हॉर्स। अब इस क्वेश्चन में आप क्या लगाओ कि आपका आंसर आ जाए, तो ये दे रखा है कोई भी एनिमल और उसके यंग वन को क्या कहते हैं, उसका रूप, उसके ऊपर ये बेस्ड है। जैसे कि टैडपोल जो होते हैं फ्रॉग के बहुत छोटे से जो बच्चे होते हैं उसको कहते हैं। तो आपको अगर मैं बात करूं तो लेवरेट कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा लेवरेट क्या होते हैं। लेवरेट होते हैं खरगोश के छोटे बच्चे, लेवरेट कहलाते हैं। तो और खरगोश को क्या कहते हैं, हेयर कहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ हैन के बच्चों को क्या कहते हैं तो सभी जानते हैं चिक कहते हैं, लॉयन को क्या कहते हैं, कब कहते हैं, हेयर को लेवरेट कहते हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन मार्क 145 एंड 195। क्या लगाएं इसके अंदर, ये है नंबर एनालॉगी बेस्ड। मैंने आपको बताया था आपको एटलीस्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि ये स्क्वायर रूट के करीब वाले नंबर हैं, इसके अंदर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा। 17 किसके बिल्कुल नज़दीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूँ तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। अगला नंबर हमें निकालना है, तो निकालने से पहले हमें इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसी बेस पे इसको निकालना है। ऑप्शन भी हमारे पास हैं,
145 कैसे आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूं, 144 प्लस 1 145 आ गया। 195 कैसे आएगा, अगर 14 का स्क्वायर माइनस 1 कर दूं तो आपका ये जो आंसर आएगा 195 आएगा। यानी क्या करा है, 12 के बाद प्लस 2 को स्क्वायर से माइनस कर दिया है 1 से, यानी 4 के बाद क्या होगा 6 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा और उसको हमें माइनस 1 करना होगा, यानी 36 में से एक गया 35, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको करते करते प्रैक्टिस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग एंड समर, कुछ भी आगे नहीं है, संडे मंडे फ्राइडे मंडे थर्सडे वेनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे। अब ये बताओ इसमें आप क्या लॉजिक लगाओगे, क्योंकि स्प्रिंग और समर तो सीज़न हो गए और संडे मंडे आपके वीकडे हो गए, क्या दिमाग लगाओगे? तो दिमाग आपको ये लगाना है कि वसंत के बाद आती है गर्मी, जैसे कि फरवरी में क्या होता है, पतझड़ सा हो जाता है मौसम, वसंत ऋतु सी आ जाती है, उसके बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है। यानी क्या सीक्वेंस है, किसके बाद क्या आ रहा है, तो संडे के बाद मंडे तुरंत आ जाता है। जैसे स्प्रिंग के बाद तुरंत समर आ गया, वैसे संडे के बाद मंडे आ गया। फ्राइडे के बाद मंडे नहीं आता, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, थर्सडे वेनेसडे रिवर्स हो गया, ट्यूसडे फ्राइडे ये हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आपको दिमाग लगा के करने हैं। अब आगे के देखो क्वेश्चंस। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेट्रोल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस आगे क्वेश्चन मार्क है, मनी पॉलिसी सेविंग्स एंड रिस्क। अब मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहले कई लोगों के दिमाग में पेट्रोल वर्ड से आता है, जो हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं उससे। बट माई डियर फ्रेंड्स, वो जो पेट्रोल आप गाड़ी में डलवाते हो उसकी जो स्पेलिंग होती है PETROL होती है। कई लोगों के लिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, अगर सबको पता है तो अच्छी बात है। PETROL और PETROL दोनों सुनने में बिल्कुल सेम है, बट ये दोनों होमोनिम्स हैं जिसके मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंट है। इस पेट्रोल का मतलब होता है ईंधन, जो हमारी गाड़ियों में लगता है, और ये जो पेट्रोल है इसका मतलब होता है, जो आपने सुना होगा, पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। सिक्योरिटी के लिए जो पेट्रोलिंग होती है, फेरा लगता है, वो पेट्रोल कहलाता है, ठीक है। तो जो पेट्रोल होता है भैया, वो होती है सिक्योरिटी के लिए। तो अब बताओ ज़रा, इंश्योरेंस किस चीज़ के लिए होता है? आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया होगा, लाइफ इंश्योरेंस कराया होगा, तो किसी न किसी खतरे के लिए ही तो करवाते हो। तो इंश्योरेंस किस लिए कराया जाता है? रिस्क के लिए कराया जाता है। पैसे के लिए इंश्योरेंस नहीं होता, पॉलिसी इंश्योरेंस की वो होती है। सेविंग्स के लिए आप जाके उसको जमा कर देते हो, बट कोई खतरा ना हो जाए, अगर हम बीमार हो जाएं तो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो हमारा इलाज हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कराया जाता है। तो इस तरीके से भैया आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो IC6 दे रखा है, DP क्वेश्चन मार्क है, क्या दिमाग लगाओगे कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाए? तो अब मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू, आपको प्लेस वैल्यू लगाना है। आई की जो प्लेस वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट पर, वो 9 होती है, और सी जो है ABC यानी तीसरे पोजीशन पर आता है। तो 9 में से 3 गया, 6 आ गया, आपका आंसर हो गया यहाँ का। और DP पर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले P देखो, P कहाँ पर आता है? P आता है 16th पोजीशन पर अल्फ़ाबेट पर। D कब आता है? 4th पोजीशन पर, यानी 12 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करनी है। 664, 11 आगे कैसे करना है? तो कैसे करोगे इसको, 6 के बाद 64 डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? 64 तो 8 का स्क्वायर है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, 144, 169, 121, 124। सबसे पहले देखो, 64 तो है स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पर भी किसी न किसी का स्क्वायर रूट आएगा। अगर मैं बात करूँ 664 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो 11 का स्क्वायर रूट तो कभी नहीं हो सकता, और 124 स्क्वायर रूट है ही नहीं। अब आपके पास ये दो ऑप्शन हैं, तो 6 के बाद 64 यानी 8 का स्क्वायर रूट है, और 11 के बाद प्लस 2 करोगे तब तो 8 आया है, 11 के बाद 2 का कर दो, 13 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 169, यानी 12 नहीं होगा, 169 आंसर होगा। यानी ये जो क्वेश्चन है, 6 प्लस 2, 8 का स्क्वायर रूट 64, 11 प्लस 2, 13 का स्क्वायर रूट 169, इस तरीके से सॉल्व करा है। अगला देखो, क्रॉस कोडेड, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट आपको कॉमन सेंस से विद इन अ सेकंड विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन करना है। कैसे करा है? न्यूमेरल का कोड बनाया है LRMN। अब क्या क्या कॉमन आपको देखना है? सबसे पहले देखना है कि ये जो N है वो लास्ट में जा रहा है, यानी
इसमें जो ए है वो लास्ट में होगा, तो इसमें तो पहले ही हट गया। ये जो यू है ये पहले आ गया है, यानी एल से जो स्टार्ट होगा वही होगा, एल से ये तीनों ही हैं। उसके बाद अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है सेकंड थर्ड नंबर कहाँ है। ये जो एम है वो लास्ट में आ रहा है, लास्ट से सेकंड प्लेस पर, यानी ये जो जी है लास्ट से सेकंड प्लेस पर कहाँ पर है, एक तो इसमें है जो कर चुका और एक इसमें है, यानी किसी को आपको सॉल्व नहीं करना, आपका आंसर आ गया। किससे आया ये लास्ट एम, ये जो थर्ड प्लेस पे एम है वो सेकंड लास्ट पर आ रहा है, तो जो लास्ट थर्ड पर है सेकंड लास्ट पर आ गया, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। आगे क्वेश्चंस देखो। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया है फर्टिलाइजर्स क्रॉप, आगे आपके कुछ भी नहीं दे रखा। टीचर एजुकेशन टॉनिक बॉडी क्लोरीन वाटर पेस्टिसाइड रेड्स, कैसे दिमाग लगाओगे? फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर जो पौधों में डालने वाली दवाई होती है, वो क्या करता है फर्टिलाइजर पौधों में डालने से? उसकी ग्रोथ को इन्हेंस करता है, यानी ग्रोथ बढ़ाता है। टीचर के कुछ भी करने से क्या कुछ होता है? तो वो शिक्षा देने का काम करते हैं, उससे कोई ग्रोथ नहीं होती, ठीक है? तो टीचर का काम है एजुकेशन देना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। टॉनिक से, टॉनिक किस लिए पी जाती है? ताकि हमारी बॉडी बने, बॉडी में फ़ायदा करे, ठीक है? क्लोरीन पानी में क्यों डाला जाता है? कि क्लोरीन जो होता है पानी को क्लीन कर दे, और पेस्टिसाइड रेट को मारने के लिए। तो इसमें आप क्या लॉजिक लगाओगे? फर्टिलाइजर डालने से क्रॉप में ग्रोथ होती है, और टॉनिक पीने से शरीर में अच्छा होता है, या तो कमजोरी दूर होती है या कुछ भी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1760-20 क्वेश्चन मार्क, आपके पास चार ऑप्शन है। तो ये कैसे होगा? मल्टीप्लाई से हुआ है, 17 का टेबल आपको याद होगा, तो 17 थ्रीज़ा 59 प्लस 1 हो गया 60। अगर मैं 20 थ्रीज़ा करूं और प्लस 1 कर दूं तो 61, जो कि आपका ऑप्शन होगा ये 61, ठीक है? अगला है ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई एफ जी एच, आगे आपका कुछ भी नहीं है। क्या क्वेश्चन में लगा है लॉजिक? रिवर्स अल्फ़ाबेट, और जो बिल्कुल सही तरीके से जो होता है ओरिजिनल अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन, यानी जो ए की प्लेस वैल्यू होती है सही वाले में, और जो होती है रिवर्स में, ये वन पर और ये वन पर, यानी ए और जेड। तो ई के अपोजिट क्या होगा? ई के अपोजिट होता है वी, बी और वाई, एफ के अपोजिट होता है यू, सी एक्स डी डब्ल्यू और एस टी यू वी, ये वी है। आपका ऑप्शन नंबर 8 फर्स्ट सही हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास प्रैक्टिस की थी, जो मैंने तीनों एनालॉगी में आपको समझाया था उसी में से कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए आज मैंने कराए हैं। मैंने खुद से बेस्ट तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरी रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से लेके प्रैक्टिस कराने तक मैं कराऊँगी, और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।